Okay, let's see this question. The magnetic field inside a long solenoid having 50 turns per centimeter, मतलब number of turns यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 5000 turns per meter, is increased from इतना इतना to इतना इतना when soft iron of cross section area 4 centimeter square is inserted. Find the pole strength developed in the core. ठीक है, हमें यहाँ पर pole strength पूछी है. अभी इसके just पहले सवाल में हमने यहाँ पर इसका magnetization vector फाइंड आउट किया, सॉरी आई वेक्टर यहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया. कितना आई वेक्टर था? 2 × 10⁻⁶. आई का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कितना? 2 × 10⁻⁶. नाउ व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर? इज नथिंग बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट को लिखेंगे तो फॉर अ बार मैग्नेट इट विल बी नथिंग बट एम इंटू एल. एम इज द पोल स्ट्रेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया इंटू एल. एल एंड एल विल गेट कैंसिल आउट. So, I is nothing but pole strength per unit cross section area. तो यहां पर pole strength हो जाएगा हमारा I into area cross section. I का value हम लोगों ने last question में निकाला है 2 × 10⁶. Cross section area यहां पर 4 centimeter square दे रखा है, तो 4 × 10⁻⁴. So, it will be nothing but 8 × 10⁻² which is nothing but 800. यहां पर pole strength हो जाना चाहिए, मतलब option number D should be our correct answer.